नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं मैरिगो एशिया हॉस्पिटल्स में एक थोरासिक सर्जन की तरह काम करता हूँ। आज हम जिस छाती की बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स दो शब्दों से बना है, न्यूमो यानी एयर और थोरैक्स यानी छाती। तो छाती में हवा भर जाने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसके मरीज इंडिया में काफ़ी संख्या में। तो न्यूमोथोरैक्स यानी छाती में हवा भर जाना, अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स का साइज़ कितना बड़ा है। न्यूमोथोरैक्स छोटा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी हवा छाती में भर जाए और मैसिव न्यूमोथोरैक्स हो जाए या टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ न्यूमोथोरैक्स उसके सिम्टम्स होते हैं। कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं जिससे डॉक्टर ये सस्पिशन होता है कि न्यूमोथोरैक्स है, उसमें जो प्रमुख होता है वो होता है सांस में दिक्कत आना। अगर छाती में फेफड़े के बाहर हवा भर जाए तो फेफड़े को पिचकाने लगती है, फेफड़े के ऊपर दबाव डालती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा फेफड़े पिचकने की वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा खांसी आ सकती है, छाती में बहुत ही शार्प तरीके का पेन भी हो सकता है। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाए जिसमें कि हवा सिर्फ अंदर जा रही है और हवा बाहर नहीं निकल पा रही है, एक वन वे वाल्व वाला मैकेनिज्म हो गया है, तो उसमें सडनली ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो जाते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है, हार्ट रेट पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जब फेफड़ा पिचकता है और हवा कंटिन्यूसली भरती जाती है तो हमारे मीडियास्टाइनम जिसमें हार्ट होता है, खून की बड़ी नसें होती है, उसको एक तरफ पुश कर देता है और ये सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं और इसमें अर्जेंट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है।